अगर आप फेसबुक पर स्टोरी अपलोड करते हो और अगर आपको उस फेसबुक स्टोरी पर व्यूज शो नहीं करते, सो गाइस ये प्रॉब्लम आपको क्यों आती है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। फेसबुक का लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करना है और परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ सारी परमिशन को अलाउ कर रखा है। इस तरह से आपको भी अपने फेसबुक की यहाँ सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद आपको वापस आना है और वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लियर कैश वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके अपने फेसबुक का कैश क्लियर कर लेना है और इसके बाद वापस आना है। और फिर गाइस वापस आने के बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल डेटा एंड वाईफाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद अगर आपके फेसबुक पर यह बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन ऑफ है, सो आपको इस बैकग्राउंड डाटा वाले ऑप्शन को ऑन करना है। और गाइस इसको ऑन करने के बाद इसी के नीचे आपको ये अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूसेज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना है और वापस आने के बाद आपको यहाँ पर ये फोर्स स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करके अपने फेसबुक को फोर्स स्टॉप कर लेना है। इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब गाइस फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है। इतना करने के बाद अब गाइस यहाँ पे आपको अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करना है और फिर आपको यहाँ सर्च बार में क्लिक करके फेसबुक को सर्च करना है। अब फेसबुक को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फेसबुक का अपडेट कर लेना है। अगर आपके फेसबुक पर कोई अपडेट आया है तो आपको अपने फेसबुक का अपडेट करना है। कई बार हम सालों तक अपने फेसबुक का अपडेट नहीं करते जिसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सो इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। सो गाइस इतना करने के बाद आपके फेसबुक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके फेसबुक की स्टोरी पर जो है व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।